राजनीति के वार और पलटवार के बीच बिहार की धरती से भैया जी कहीं दूरी। कैसा होगा इस बार? 50-50 है। एक बार नीतीश कुमार बनेगा ना तो बिहार को बर्बाद कर देंगे। उनका नाम ही पलटू राम है ना। सिर्फ नीतीश कुमार और कोई नहीं। सबका यही कहना है कि इस बार तेजस्वी सरकार। रे ये काफला किसका है रे? वो होता था वो लालू जी का सरकार में। पाजी ये बिहार का चुनाव इस बार ना बड़ा गजब का होने वाला। भैया जी हमकी प्रसाद तो खाई ना। हाँ। की हमकी मन खुश हो जाता है मगर टीवी पर देखते आप बता ऐसा आवाजें आप करते हैं कि इतना खराब। ठीक है सर। ठीक क्या चल रहा है सर? ये ठीक है, ठीक चल रहा है। इस बार क्या है माहौल? तो कुछ सरकार के लिए ठीक नहीं है सर स्थिति। अच्छा जी, सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है। केवल रोड बनाया है बस, और कुछ भी नहीं बनाया। क्या कहना है? क्या कह रहे हैं सरकार के बारे में बोल रहे हैं? सरकार तो अपनी जगह पे है, यहाँ जनता का भी अपनी सोच और समझ होनी चाहिए। जब तक जनता की सोच और समझ नहीं आएगी सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो अपना काम करेगा। कहाँ घूम रहे? मोबाइल मोबाइल हाथ में है? मोबाइल मोबाइल और मास्क घर पे? हाँ और घर कहाँ? चलो घर। मामला है कि 2014 से हम लोग पीएचडी में लटके हुए हैं। अभी तक पाटलिपुत्र वाला पीएचडी रजिस्ट्रेशन को लेकर के मामला है। मतलब बुलाया जाता है और फिर हम लोग को गेट के बाहर ही इंतजार करते रह दिया जाता है। अंदर दिया भी नहीं जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है। जहाँ पर बुलाया जाता है एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन का भी नहीं सुना जाता है। फिर बोलते हैं एप्लीकेशन दो तो उसके अलावा कुछ नहीं होता है। हम लोग को बहुत है। कुछ लोगों को अंदर ले लिया गया, हम लोगों को बाहरी छोड़ सही सूचना भी नहीं मिल पाता है। जो जिसका अपना आदमी हो अंदर सेमेस्टर मेरा चेंज हो गया और उसके बाद उसको ग्रेजुएट हिस्ट्री रख दिया है सेमेस्टर में मेरा। उससे पहले सेमेस्टर मेरा दूसरा था। तो सारे लोग आप लोग पीएचडी वाले? हम लोग तो अभी पीएचडी के ही हैं। हम लोग 2014 में ही पास आउट हुए थे। पोस्ट ग्रेजुएशन? हाँ, हम लोग का मगध यूनिवर्सिटी से हो रहा था। तो मगध वाला ये लोग क्या किया कि मगध वाला जाके पाटलिपुत्र में चेंज कर दिया। तो पाटलिपुत्र तो 2018 से आ चुका है, 2018 अभी 20 साल आते रह रहा है। लेकिन 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इतना लेट लतीफ है मामला कि कुछ नहीं होता है। ये बोलते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज में जमा नहीं करो, और कॉलेज बोलता है कि अगर कॉलेज में जमा नहीं किया एग्जामिनेशन फॉर्म तो तुम्हारा सबमिट नहीं करेंगे। कॉलेज ये चालान काट के दे रहा, पैसा ले रहा जमा करने का। यूनिवर्सिटी बोल रहा फ्री में हो रहा है, कॉलेज बोल रहा है पैसा लाओ, ये पैसा ले रहा है कॉलेज जमा करने का। बिना पैसा कर नहीं रहे, पूरा लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अप्रूव नहीं कर रहा है। यूनिवर्सिटी कॉल नहीं रिसीव कर रहा है ना, मेल का रिप्लाई दे रहा है 5 दिन से। यही है ना? हाँ, किसी का यूनिवर्सिटी कार्ड से मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी, रुको, किसी का बात नहीं सुनिए सर। गाय लोग से बोलते हैं कि हम लोग से बात कीजिए, लोग कितना पढ़ा लिखा है हम लोग का बात सुनेगा सर? दे चुके हैं सर, उसके बाद भी कुछ नहीं अभी तक रिस्पॉन्स। 5 मेरिट लिस्ट में सर, मेरिट लिस्ट में नाम देता है जो लेडीज कॉलेज का देता है स्टूडेंट, मेल का फीमेल कॉलेज में दे देता है, फीमेल का मेल कॉलेज में दे देता है। लोग इसका चक्कर काट रहा है, कोई पढ़ाल करने वाला नहीं है सर। पढ़ाई लिखाई से गोल है, पढ़ाई लिखाई घंटा गोल है। कौन है प्रिंसिपल? कौन है? पढ़ाई लिखाई गोल कर दिए, पूरे गोल कर दिए। खड़े जरा, भैया खड़े जरा, हटो, दूर 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 हो, खोलो दरवाजा, जरा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तुम हमें तो जाने दो। एक मिनट पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। ऐसे आप लोग बात करते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी में करते हैं? ये पटना में ऐसे यूनिवर्सिटी में ऐसे बात करते हैं? अरे आप तो आप किनारे हटिए सर, ये कैसा तरीका है ये? आप क्या ऐसे ऐसे बात करते हैं? हम लोग यूनिवर्सिटी में, हम लोग तो आएगा ही, आएगा ही जब आप ऐसा करेंगे, दुत्कारेंगे तो। जब आप ऐसा करेंगे तो दुत्कारेंगे तो यही होगा। एक आर्मी मन बदलाव करते हैं सर, क्या चक्कर क्या है ये बताइए मुझे। क्या ये लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले, ये कहते हैं पीएचडी वाले हैं, पीएचडी वालों का इनरोलमेंट है वो, क्या चक्कर है? नहीं, ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो उससे जुड़ा हुआ मामले है सर। तो क्या क्यों ये परेशानी, क्यों ऐसे ऐसा
इतने बच्चे रोज यहाँ पे खड़े को कह रहे हैं मैं 6 महीने चाह रहा हूँ, कह रहा 4 महीने। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी एग्जामिनेशन प्रोसेस चल रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये परेशान है बच्चे, तो उनका इनका निराकरण कैसे होगा? निराकरण विश्वविद्यालय से होगा। तो ये कैसे, ये बाहर खड़े हैं इतनी देर से, इनको दरवाजे कैसे खड़े, 6-6 महीने से खड़े हैं, मारे नहीं आपके जवाब दे रहे हैं, 6-6 महीने से खड़े हैं, खड़े रिप्लाई नहीं है, कोई मेल का रिप्लाई नहीं है, 6 दिन से रिप्लाई मेल किया होता है, 6 महीने बोल रहे हैं, 2014 के बाद खड़ा हुआ, 2014 से भाई जी कहीं जो है उस समय से सर को हम जानते हैं, 2014 का वहाँ खड़ी है, 2014 क्या, चलिए आप आइए ना, आइए आइए बोलिए, कौन आदमी बोल रहा है 2014? रुकिए अरे आ रहा हूँ, कहाँ गए, यहाँ पे आओ। 2014 में हमने बोला कि मगध यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, दिस यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन 2018। बात पूरी सुनिए, नहीं हमने बात पूरी सुनिए, क्या हुआ, क्या बात सुनिए, बताइए बताइए, 2014 में एडमिशन लिया, 2018 से एस्टैब्लिश्ड हुआ है सर, 2018 में एस्टैब्लिश हुआ, अरे सुनिए तो, अरे हम कैसे सुनेंगे, गलत बात बोलिए, तो बोलिए पूरी बात बोलिए, बगैर घबराए हुए बोलिए सर, 2014 में हम लोग का यहाँ से एग्जाम हुआ था मगध यूनिवर्सिटी से, पाटलिपुत्र सर 2018 से आया है, 2018 से ये कह रहे हैं कि आप 2014 से परेशान हैं, नहीं नहीं 2014 से मगध यूनिवर्सिटी में हम लोग, यहाँ क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मगध यूनिवर्सिटी वाला हम लोग बोध गया, हाँ मगध यूनिवर्सिटी बोध गया 2018 में, जबरदस्ती इन पे ठेला है, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र 2018 से प्रोसेस में लाया हुआ का दोष है, पाटलिपुत्र का दोष नहीं, दोष मगध यूनिवर्सिटी 2018 से क्या कर रही हैं यहाँ पे आप 2020 में तक, अरे क्या कर रहे हैं आप, इनके मुंह में क्यों शब्द दे रहे हैं आप, दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मुझे पूछने दीजिए, मुझे पूछने दीजिए, यू डोंट हैव द राइट, आई हैव फुल राइट, नो यू डोंट, सर एक हम बोल रहे हैं, हम 2018 में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, हमको केमिस्ट्री में फेल करा दिया, स्कूटनी के लिए फॉर्म भरा गया, हमें स्कूटनी के लिए पैसा भी भेजे हैं, मेरा मार्क्स में कोई चेंज नहीं हुआ, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में से सब पेपर में फेल कर दिया गया, एक पेपर में भी पास नहीं किया गया, सेशन कंप्लीट है लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर से कंप्लीट नहीं है, ये कैसे मतलब बिहेव किया जा रहा है स्टूडेंट के साथ सर, जब एग्जाम दिया तो हमें फिजिक्स में 0 नंबर दिया गया, जबकि हमें पता है हम अटेम्प्ट कर क्या रहे थे और अच्छा नंबर का करके आए थे सर, और अभी मेरा पेमेंट काट कर सर, प्रमोटेड बैक में पेमेंट काट कर मेरा फॉर्म फिलअप नहीं किया गया है, ये गलती किसका है, मेरा है क्या, ये परीक्षा से संबंधित मामला है और परीक्षा से संबंधित जितने भी मामले हैं वो परीक्षा विभाग में विश्वविद्यालय के अंदर ही आता है, बिल्कुल विश्वविद्यालय, मैं लड़कों, ये विश्वविद्यालय में आपके लड़कों के लिए कल्याण के लिए विश्वविद्यालय है, और जो कह रहे हैं कि ये हमको फेल, हम दोहरा रहे हैं, हमको कहा जा रहा है, ये लड़कों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमको फेल कर दिया गया, ये बताइए कि किसी भी शिक्षक का या किसी भी विश्वविद्यालय का, हम आपकी बात मानते हैं, हाँ बिल्कुल, फेल किया नहीं किया जाता, लेकिन एक बात मुझे बताइए, दरवाजा बंद करके आप अंदर बैठे हैं, बच्चा बाहर कितने घंटे से, 5 घंटे 12 बजे से, हम तो फेल हुआ हूँ, मेरा IIT जेम 220 रैंक है, IIT जेम में जो IIT MSc करने के लिए बच्चे तरसते हैं, हम क्योंकि हम IMSc के लिए फेल है, IAS के लिए हम ग्रेजुएशन में फेल है, MSc में मेरा ऑल इंडिया रैंक 230 है, ऑल इंडिया रैंक जेम में, मुझे आपकी बात सही है, रही बात जहाँ तक गेट पर, हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि चूंकि अभी फॉर्म भरने वाले लड़के आ रहे हैं, इसमें कई लड़के ऐसे भी हैं जो फॉर्म भरने वाले नहीं हैं, तो ये अंदर जाकर के उनके काम में बाधा न पहुंचाएं, इसीलिए प्रशासन ने, अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, आप पढ़े लिखे टीचर हैं तो कोई बाधा नहीं चले, लेकिन आप अगर बाहर बच्चे को दरवाजे के बंद कर देंगे, विश्वविद्यालय आपके माध्यम से, आपके माध्यम से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय लड़कों को आश्वस्त करता है कि उनकी किसी भी समस्या का समाधान यहाँ पर जल्दी से जल्दी होगा, अगर मैं ना आता तो यहाँ कोई नहीं आता, अगर मैं नहीं आता तो नहीं आता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कभी भी लड़कों को परेशान नहीं करेगा, BCA का फॉर्म नहीं भरा है, वहाँ पे ID लॉगिन कर रहे हैं, पेज नॉट फंड आज तक अभी एक भी लड़का का नहीं, 26 तारीख को भी मैंने एप्लीकेशन दिया है सर, आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है, क्या पोर्टल
सर मेरा रोल नंबर मेरा रोल नंबर कोई और इन करके मेरा फॉर्म सबमिट कर दिया, फोटो कोई और अपलोड कर दिया है। सर ऐसा है कि एक साथ अभी अभी जो था कोरोना पीरियड के समाप्ति के बाद एज पर यूजीसी नॉर्म्स और गवर्नर सेक्रेटेरिएट के माध्यम से लड़कों का यूजी का यूजी वन का यूजी टू का पीजी वन का पीजी टू का वोकेशनल का 50 तरह के फॉर्म लगभग 1.5 लाख लड़कों का एक साथ पोर्टल खुल गया। उससे क्या हुआ कि जो यहाँ की एजेंसी काम कर रही है उसने कहा कि तकनीकी दबाव इतना बढ़ गया कि वो एक तरह से सर्वर हैंग कर गया। निश्चित रूप से मेरी बात सुनिए के माध्यम से मैं छात्रों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये महज 2-4 दिन का मामला है। सर आप दरवाजा आप अगर बंद कर देंगे तो केओस पैदा करेंगे। आपने कहा ना COVID-19 वाला, ये देखिए कितना कैसे खड़ा है। मेरी बात सुनिए, अगर ये बच्चा लाइन लगा के जाएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम होगा और जानकारी सही तरीके। आप मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया के लिए जब तक आपको इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं और मीडिया एक जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो ये स्थिति बनेगी। तो आप अगर इसको अंदर जाने देंगे तो व्यवस्था अच्छी बनेगी। तो मैं आपके अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, राइट सर, जो यहाँ के डिसिप्लिन को देखते हैं उनको ये बात करिए, खत्म हो गई बात। मैं ये कह रहा हूँ दीजिए बच्चों को अंदर जाने दीजिए। ये बता, आवेदन लिया जा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ कि अभी हमारे विश्वविद्यालय में कोरोना से संक्रमित करीब 7-8 लोग हैं और वो लोग अपने घर पर हैं, इसलिए हम लोग बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके हमने अभी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय इज वेरी मच केयरफुल अबाउट द स्टूडेंट। आपके चैनल के माध्यम से मैं लड़कों को विश्वास दिलाता हूँ कि यह 2-4 दिन में मामला सभी सॉर्ट आउट होगा। 5 तारीख तक देते हैं, अब 4 दिन में मामला सॉर्ट हो जाएगा। 5 तारीख तक अगर इनकी समस्याएं अगर ऐसे ही रही तो डेट का एक्सटेंशन भी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि कोविड को बचाना है, बच्चे को अगर बचाना है तो ये तरीका नहीं है। सर गेट खोलना पड़ेगा और वन बाई वन जाना होगा। चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने लड़कों की समस्याओं को लेकर के इतने बहुत शालीनता से और बहुत इतना बच्चा इनकी समस्याओं को ऐसा नहीं है, बच्चा रोड पे मरे। आप सुनिए, ऐसा है कि आप स्टूडेंट हैं, ये क्यों लटका क्या है? क्या सर ये क्यों लटका क्या है? ये कोरोना पीरियड है, ये मुंह में लगाए हुए हैं तो फिर ये क्या है? क्या सर आप जो बोल रहे हैं कि जब मीडिया आया तभी बच्चों का समाधान होगा? नहीं, माइग्रेशन के बारे में कब तक मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट? हम फी भी पेमेंट कर चुके हैं। आप क्या नाम है आपका? आप क्या चीज के लिए आए हैं? सर मेरी बहन का विषय जो भरी थी विषय पूरा गायब है फॉर्म पे। अच्छा, वो स्टूडेंट कहाँ है? क्या अगर अभी स्टूडेंट को अगर सिग्नेचर करना होगा? स्टूडेंट है, यही अवेलेबल है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बिठा के रखे। आप अंदर घुसने दीजिए, हम बुला देंगे। अंदर कोई नहीं जा रहा है सर, कैसे होगा सर? तो जब अंदर जा ही नहीं रहा सिग्नेचर स्टूडेंट को रखे हुए हैं और यहाँ पर आप लड़की को खड़ा होने दे 50 लड़के की भीड़ में। बहुत सारी लड़की आई हैं, तो आप क्या जानते हैं? देखो गलत बातें अगर वो कुछ कह रहे हैं तो तुमको भी समझना पड़ेगा। अगर वो ये कह रहे हैं, वो तुम्हारा इशारा शायद इस पे कह रहे हैं कि तुम पॉलिटिकल पार्टी से हो क्या? हाँ। मैं समझ गया उनकी बात। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि अगर इनका स्टूडेंट कोई है अगर उसको एप्लीकेशन देना होगा तो यहाँ ना होगा? नहीं नहीं सर, चलो झाड़ो भाई, झाड़ो। सर दरवाजा खोलिए, सर दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहब वन बाई वन करिए, अंदर एंट्री करिए। ये गलत बात है। चलो बाबा जी, नेता का बेटा नेता होले, नेता का बेटा नेता होले, किसान का बेटा किसान, लोकतंत्र के कौन पाठ हक्का होला ये करवाने। बार भाई जबरदस्त है आप बाजी, क्या बात है बाजी। अगर बिहार में आए और लिट्टी चोखा की दुकान पर ना पहुंचे तो सब बेकार है। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम आए हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे काम आम, क्या चुनाव हो बस यही से चलता रहे देश में, चुनाव होता रहे बस यही सब बढ़िया है। और काम आम कहाँ करेंगे जाके, कहाँ काम करते हैं? ऑफिस में। तो चाय पीने आए थे? हाँ, चाय पीने। भाजी ये भी एक बहुत बढ़िया आनंद है, ऑफिस में काम करिए, जब मन हो तब चाय के लिए आ जाइए। जब मन हो नहीं, जब समय मिलता है तभी। अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं काम नहीं करते। अरे हम नहीं, ये कहाँ के काम नहीं करते, आप काम तो आप करते ही हैं। तो इस बार क्या होगा गुरु जी, चुनाव कैसा होगा इस बार? ये भविष्य के गर्भ में है। अरे है, जब कोई कहे कि भविष्य के गर्भ में तो समझ लीजिए कि वो बताना चाह रहा है लेकिन थोड़ी देर में बताएगा। क्या बात है बाबू जी, क्या होगा इस बार? मतलब चाय वाय कैसी है, गर्म है ठंडी है,
ऐसी है? बहुत अच्छी चाय है। बहुत अच्छी चाय है। तो चुनाव अब धीरे धीरे उठ रहा है या अभी लग रहा है कि अभी वक्त है? नहीं नहीं, बहुत चुनाव का प्रक्रिया तो शुरू हुई, शुरू हो गया। तो इस बार क्या रहेगा, वोटर कैसा है इस बार बताइए, वोटर का बन कैसा है? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं सर? बढ़िया, आपको देखे थे रुक गए। यही तो बिहार का मजा है, और कहीं प्रदेश में जाइए कोई मजा नहीं आता, लेकिन यहाँ मजा बहुत आता है। क्या होगा इस बार? इस बार कुछ कभी कहा नहीं जा सकता क्या होगा। तो चलो, वोटर सोच रहा है, फिफ्टी फिफ्टी है। फिफ्टी फिफ्टी चावला चावा, चावला चावा भैया, चावा लाओ। अरे गजब है भैया पाजी, ये बिहार का चुनाव इस बार ना बड़ा गजब का होने वाला। जब कोई कहे 50-50 तो समझ लो 50-50 क्या है। चाय वाला सर, चाय वाला। चाय वाला तो है ही, हम देख रहे हैं चाय वाला। बाबूजी कैसे हैं, तमाशा देख रहे हैं? तमाशा ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है। देखिए सब खड़े हैं, सब लोग, चार लोग चाय पियेंगे, पाँच लोग देख रहे हैं। इससे अच्छा क्या तमाशा ही होता है, इससे अच्छा और क्या होता है। तो साहब इस बार कैसा रहेगा चुनाव? इस बार भी बीजेपी का ही सरकार बनेगी सर। वोटर खुल रहा है क्या? बाची धीरे से खुलेगा, जब चाय जब जाएगी एक चुस्की अंदर। तो जरा चाय देखिए पी के, मीठा तो नहीं ज्यादा डाल दिए। कह रहे हैं बीजेपी माननीय मुख्यमंत्री जिधर रहेंगे उधर ही होगा। बिस्किट खाक बताइए जरा कैसा है? सिर्फ नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जिस तरफ होंगे उसी का सरकार बनेगी। अच्छा, तो इसमें भी अभी संदेह है कि ये उधर भी कहीं और भी जा सकते हैं क्या? अभी कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। एक्चुअली सर इनका नाम ही पलटू राम है ना, कहाँ कब पलट जाएंगे, कोई कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। अच्छा नहीं, इस बार तो सब मामला तय होकर चुनाव लड़ रहे हैं ना। इस बार नीतीश कुमार बनेगा ना तो बिहार को बर्बाद कर देंगे वो। सही बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम तेजस्वी यादव एकदम चीफ मिनिस्टर मान लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार नहीं बने, और बीजेपी पता नहीं इनके पीछे क्यों लगा हुआ है, क्या उनको कुत्ता काट लिया, बीजेपी को समझ नहीं आता है। लगता है उसका पीछे लगा हुआ, अगर नीतीश कुमार बिहार को तो बेच देंगे इस बार। सिर्फ नीतीश कुमार और कोई नहीं। सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं नतीजा के बाद, नतीजा के बाद यहीं आके मिल लीजिए। बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। गजब, जो बिस्किट पाजी खुश्क है, और तमाशा देखने वाला जो 50-100 इकट्ठा। अरे कहाँ जा रहे बाबूजी, इधर आइए। तो मौसम कैसा है इस बार? ठीक है सर, वो तो सर रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। आप तो ऐसी बता रहे जैसे पहली बार हम वोट डाल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं और आप पहली बार वोट डाल रहे हैं। अरे चश्मा उतर बैठ ना, ये चश्मा ही सब देख रहे। हाँ तो बताइए क्या होगा सर? बीजेपी का सपोर्ट करते नीतीश कुमार फिर आएंगे सर। बीजेपी का सपोर्ट लेके नीतीश कुमार जी फिर आएंगे? जी नीतीश कुमार जी ही आएंगे मुख्यमंत्री। आपको अच्छा नहीं लग रहा ये बात? नहीं नहीं, पूरे बिहार के नौजवान, बेरोजगार, किसान जो पलायन करके मजदूर आए हैं, सबका यही कहना है कि इस बार तेजस्वी सरकार, और आने वाला दिन सारे लोग उब चुके हैं 15 सालों से झेलते झेलते, बेरोजगार किसान नौजवान उब चुके हैं। बाजी 20-22 बरस हुए, कोई शक्ति नहीं जो तेजस्वी यादव को रोक सकती है सत्ता में। बाजी 20-22 बरस हुए हमको भी यही सब फुटपाथ में यही गर्दा वर्दा धूल धूल खाते हुए, हमको तुरंत पता चलता है कि आदमी कौन कहाँ किधर और कैसे अच्छा लग रहा, किसको अच्छा नहीं लग रहा। नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से? औरंगाबाद जिला। अरे बाप रे बाप, बड़ा जबरदस्त है वो औरंगाबाद जिला, वो जिला पाजी दूर से आंश देता है, बहुत जबरदस्त जिला। जाने वाले हैं पाजी, पहुंचेंगे वहाँ पे। तो इस बार क्या है? इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी। कितना टाइम बता रहा है? नहीं सर, टाइम ऐसे ही देख रहे थे, 4 बजे वाला। तेजस्वी सरकार होना चाहिए, किसी स्थिति में पलटू राम को नहीं आना चाहिए। पलटू ने जो किया है बिहार के साथ बर्बाद किया है, इसलिए तेजस्वी सरकार। अरे सब फोटो खींचेंगे कि बताएंगे भी ये कुछ क्या होगा इस बार? सर फाइट बहुत बराबर का है सर। बराबर का है, जबरदस्त फाइट है क्या सर? तो पाजी भीड़ बहुत है बिहार में, कोरोना कोई पालन नहीं कर रहा है, एक ही आधे दो लोग हैं जो मास्क लगा के घूम रहे हैं। मास्क लगा के घूमिए और बिल्कुल हाथ बिल्कुल एकदम भाग जाता है क्या? अपने आप भागता है कोरोना यहाँ पे, सब खुलेआम दारू मिल रहा है, दारू पीता है कोरोना भाग जाता है। अभी आप फोन कीजिएगा, दारू आ जाएगा, पीजिएगा कोरोना भाग जाएगा। अच्छा आज मंगवा दो जरा, थोड़ा थोड़ा मंगवा दो हमको। अच्छा ठीक है, मंगवा देते हैं।
कैमरा लेकिन हटवाइए उधर, नहीं तो आप हमको पकड़वा दीजिएगा। कैमरा हटवाइए, काहे का आप 18 न्यूज के जो है आपका सीएनजी का न्यूज है, हमको पता है आपके बारे में। पैसा कितना देंगे आप भैया जी कहीं के ना, आपको पहचान रहे, हटा दीजिएगा तब भी हम आपको पहचान रहे हैं। कितना पैसा देना? पक्का लालू के औलाद बोल रहे हैं हम आपको। अच्छा, हम खास कच्चा नहीं कह रहे हैं, हम तो पका ही वाला कह रहे हैं, तो बनवाइए। पैसा कैमरा हटवाइए। अरे भाजी पैसा कैमरा हटा दो, भाजी कैमरा हटा दो, करके बता दीजिएगा ये लड़का दारू मंगाया। अच्छा तुम हो पक्का ही वाला? भाजी पक्का ही वाला है बाबला। तो भाजी चाय की दुकान हो चाहे, अरे भाजी हो तो सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद थे, थोड़ा थोड़ा चाय पी लें, लेकिन चाय भाजी नहीं, बातचीत होती रहती, बात कही होती है चाहिए। जी साहब कैसे हैं? अरे जब पास आ जाएंगे तो पूछ तो लेंगे ही हम आपसे, कितने पास आ जाएंगे आप, कैसे हैं? ठीक है सर, फाइन। क्या नाम हो गया? मेरा मजाज अहमद। मजाज अहमद साहब, क्या होना है इस बार, क्या मिजाज रहेगा चुनाव का? देखिए अभी चुनाव तो अभी बाकी, अभी एक महीना है लगभग, लेकिन देखिए जो अच्छा काम किया उसको तो आना चाहिए। जो अच्छा काम किया उसको आना चाहिए। जी बेहतर, काम के बिना पर सारी पब्लिक आपको वोट देगी, काम के बिना। ये तो बात सही है मेरा। कहाँ के रहना है, रहाइश कहाँ है आपकी? मेरी पटना की है। पटना की ही रहाइश है, वाह क्या बात है। पटना मार्केट में विजिट किया है, आपका क्या एवरेज है? हमारा क्या एवरेज है जी? हमारा एवरेज ये है, 50-50 है मामला अभी। 50-50 है एवरेज, आपने पूछा तो हमने एवरेज बता दिया, 50-50 है। अब हमें क्या मालूम किसका क्या, जब आपसे पूछूंगा चार बार तो पता चलेगा। तो वो भैया सामने आके खड़े हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। तो आकलन सभी लोगों को, आकलन तो पूछना मेरा काम है, अब ये नहीं बता पाऊंगा कि मैं क्या है कैसा है। कहिए, हाँ आप नहीं बोलते हैं? बोलते हैं आप? बोलिए। हाँ तो बोलिए, क्या इनसे क्या बुलवा रहे थे? बीजेपी कुछ कहना चाह रहा है? बीजेपी, एनडीए। एनडीए, एनडीए का जीत होगा आपकी बार 2020 विधानसभा। भैया जी नमस्कार, बड़ा टीवी पर देखते हैं आपको। हाँ, आपका सर्वे बिल्कुल सही रहता है। अरे मंगाओगे कि रख लें अंदर जेब में? हाँ, अभी बाहर है नीतीश कुमार है, आपका पक्का रहता है, आ भी नहीं सकता, इसको कोई आ भी नहीं सकता है। अच्छा क्यों? क्योंकि क्यों नहीं, कोई विकल्प नहीं है, एनडीए कभी भी हुई है। आज 15 सालों में जो काम नहीं हुआ, झूठ हुई है, जनता खूब खाता है, बदल दे, राइफल लेकर के रंगदार लोग चलता था, एक रिक्शा वाला बेचारा कोई टमटम वाला है जो कि रोड धर के साइड नहीं जाता था, आता था, रे ये काफला किसका है रे, तो गब्बर सिंह का है, वो होता था लालू जी के सरकार में। क्या होता था? लालू जी के सरकार में क्या, कैसे होता था? प्रदर्शन चलता था, गुंडे लोग काफला किसका जा रहा है रे, रोड छोड़ सरकार का है रे, धन लाठी भागवान ने तो पड़ा देता था। लेकिन आज कोई सरकार सरकार कोई है ये नहीं, एक गो नीतीश कुमार बिहार में बाहर है। यहाँ से सीधे मुंबई जाएंगे क्या? मुंबई जाएंगे। कैसे हैं? ठीक है भैया, ठीक है। ये 500 का नोट काहे के लिए कर रहा था? अरे वो कुछ मंगवा रहे थे, फोन नंबर दिए थे, फोन नंबर से आ जाती थे, हम कह रहे थे मंगवा। भैया जी आप तो भाई हीरो ही मानना पड़ेगा आपका। छोड़िए भैया जी, नमस्ते। हाँ कौन है? राजू जी आए। राजू जी नमस्ते। हम लोग फैन है, देखते हैं। अरे नहीं राजू जी नमस्ते। अरे गाड़ी रुकी, चलो बाजी 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 बाजी। कैसे हैं आप लोग, क्या नाम है? बहुत कैसे इधर यहाँ पे कैसे खड़े हो मुझे बताओ, कैसे हैं आप? घूमने आए थे हम लोग। अच्छा घूमने आए थे, क्या नाम है आपका? अपूर्वा नाम हुआ हमारा। अपूर्वा, आपका? शिवा। शिवा, शिवा। और आपका? पूजा। पूजा। और आपका? ऋषि। कुछ कहना है आप लोगों को? अबकी बार मोदी सरकार। हाँ, अबकी बार मोदी सरकार। सबका वोट है? हाँ है। तुम्हारा वोट है? हाँ, मोदी सरकार। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी। अरे तुम लोग काम क्या करते हो? तुम लोग मेरा खुद का एनजीओ है। कॉलेज तो बंद है सर। एग्जाम दे के आ रहे हैं। एग्जाम दे के आ रहे हैं? कौन सा एग्जाम दिया तुमने? हमने आज फाइनेंशियल मॉडलिंग। बिजनेस इंटेलिजेंस, सबका एक ही बिजनेस इंटेलिजेंस। बहुत अच्छा बात है, बहुत बधाई पाजी। देखो चार लोग बोलने वाले हैं पाजी, और बताएं कितने लोग देखने वाले हैं पाजी? वो देखो कितने लोग देखने वाले। ये पाजी बिहार का कोई जवाब नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप कुछ भी घूम आए, लेकिन अगर आप बिहार ने नहीं देखा पाजी आपने, तो कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। हाँ पाजी, इसका कोई जवाब ही नहीं, क्या बात है। कैसे बाबू जी, कैसे हैं?
ठीक है अभी। कुछ सुस्त नजर आ रहे हैं ना? ठीक है ना। अब मास्क कहाँ है आपका? मास्क है पॉकेट कहाँ? अरे पॉकेट में थोड़ी लगाना, मुंह में लगाना है। लगा लिए लगाइए। देखिए बाबू जी लगाए, वो भी देखिए लगाए, और आपने तो बहुत बढ़िया लगाया। आगे क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ डॉक्टर रानाउदय प्रसाद सिंह। और अभी के परिप्रेक्ष्य में जी यह जरूरी है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करे कोई। हाँ। और उसके बाद में मास्क लगाए। क्या लगाए? मास्क लगाए। बिना मास्क के यदि कोई चलता है तो उसकी असुरक्षा खुद अपने आप ले रहा है। लगाए क्या? मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, यदि वह नहीं लगाता है तो क्या, आपकी बता दी क्या लगाए? अपनी असुरक्षा के लिए खुद जिम्मेवार होगा हुआ। यह जरूरी है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। यदि सरकार ने निर्देश दिया है बचाव के लिए तो इसको पालन करना चाहिए। ठीक है, पालन किया जाएगा। हाँ ठीक है जी साहब। अरे ठीक है, लगाओ कहाँ हो? ठीक है ठीक कर रहे हो, लगाओ 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 लगाओ। हम लगाएगा, अभी रखे हैं। कहाँ रखे हो? कहाँ? वहाँ रखे हैं पाजी। कहाँ रखे हैं? अब वही रखे हैं जहाँ आप रहते हैं, वहीं रखे हैं। ये क्या आवाज है पाजी, आओ। चुना एक सवा महीने के लिए बिहार में मौजूद हूँ, बातचीत का सिलसिला जरूर जोड़ूंगा। जो लोग बात अपनी कहना चाहेंगे जरूर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, आज जो लोग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं पहले उनसे तारुफ कराएंगे और फिर बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। क्या बात, बहुत चिंता में हो क्या? नहीं, नहीं, घर में सब ठीक ठाक है ना? है तो फिर कैसे कितनी ज्यादा चिंता का है? वो सारी चिंता हमारे ऊपर छोड़ो ना तुम, है ना? तो बहुत चिंता में दिखाई पड़ रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ तुम्हें। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल कुमार क्या काम करते हैं? पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई तुमने ऐसे कहा जैसे खेती किसानी है। अभी को खेती किसानी है। बाजी क्या बात है, बिहार का आदमी जब बिहार में मौजूद होता। मैंने आज जब पटना की सड़कों पर घूम रहा था तो मैंने कहा कि आप पूरा देश पूरी दुनिया घूमाएं, लेकिन अगर आपने बिहार नहीं देखा या बिहार में आके एक बार दो बार रहे नहीं तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं देखा। इतना बढ़िया शहर, इतने बढ़िया लोग और इतने जानदार। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान की स्थली है। हाँ, अभी ज्ञान बटेगा, थोड़ी देर में बटेगा, और जब इतना बटेगा ज्ञान की मुझे बटोरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ज्ञान की नगरी है साहब, मुझे मालूम है, बिल्कुल मालूम है साहब। क्या नाम है साहब आपका? राजीव कुशवाहा। क्या काम करते हैं सर? हम तो ऐसे ही जो है बेरोजगार हैं 15 साल से। हम, अच्छा हुआ ये आपने नहीं कहा कि हम तो ऐसा ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं, ज्ञान बांटते जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा हुआ कि आपने ये नहीं कहा कि ज्ञान। क्या नाम है बेटा? आ गया मेरे पास। हाँ, उधर। हाँ, प्रसून नाम है। प्रसून क्या काम करते हैं? अभी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा जी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। सैलरी अली तनख्वाह का सब आ रही है? सब अच्छा है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे पहले जरूर तारुफ कराना चाहूंगा। राजीव रंजन जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजमर शमसी साहब हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुड्डू बाबा साहब हैं और आप निर्दलीय हैं और दीघा से। हाँ जी, बीपीएल पार्टी से हैं। अच्छा, बीपीएल पार्टी से हैं और दीघा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। सारे लोग आपको बाबा कहते हैं, बालों की वजह से कहते हैं या कामों की वजह से कहते हैं? काम की वजह से हूँ बाबा। ये ग्रंथ मेरे पास में है। अच्छा, 21 जुलाई 2000 को पहला जनहित याचिका मैंने पटना हाईकोर्ट में दायर किया था। अच्छा, और 30 साल से सरकारें नहीं कुछ कर पा रही थी, इसके लिए मुझे जनहित याचिका दायर किया गया और देश में बिना वकालत की डिग्री का 81 जनहित याचिका दायर करने वाला गुड्डू बाबा एक लौता सर। क्या बात है गुड्डू बाबा, क्या बात है, मतलब ये बाल जो है सफेद धूप में नहीं हुए हैं, सड़कों पे हुए हैं, सड़कों पे हुए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू बाबा जी। हमारे साथ मृत्युंजय जी मौजूद है। मृत्युंजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता जी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ दानिश रिजवान साहब, दानिश रिजवान साहब मौजूद हैं हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी क्या काम करते हैं? अभी तो मैं बेरोजगार हूँ, शिक्षित। अरे सब बेरोजगार मेरे ही शो में आते हैं क्या? नीतीश कुमार द्वारा जो कार्य किया गया है उसी कारण आज युवा बेरोजगार है। पहले पढ़ाई नहीं, मैं ये तो कह रहा था बेरोजगार तो है भैया, तो सारे बेरोजगार मेरे ही मेरे शो में करें। अपनी बात को मीडिया के सामने कहने के लिए आपके समक्ष ही आएंगे सर, रोड पे जाते हैं तो लाठियां बरसती है, संसद में तो बिना बोले ही बंद कर दिया जाता है। राजीव जी बेरोजगारी एक समस्या है और बड़ी समस्या बिहार में, मुद्दा है ये।
आज जो मैं आ रहा भैया आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ के सवाल पर जो पार्टी आज लोगों को उलझाना चाहती है उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लीजिए। बिहार में बस एक ही उद्योग था, वो फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग था, या तमंचे बांटने के लिए तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही। अरे रुको रुको, बिल्कुल साफ है कि बिहार में रोजगार इन्होंने 15 वर्षों में 93,000 दिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 लाख नौकरियां दी गई, आज आउटसोर्सिंग के जरिए लाखों नौकरियां दी जा रही है, कौशल विकास के जरिए नौकरियां दी जा रही हैं, इस कोरोना संकट के दौरान भी स्किल मैपिंग के जरिए लोगों के हुनर को पहचान कर नौकरियों में समायोजित किया जा रहा है। और एक बात बिल्कुल साफ है, जो बिहार का जो काला दौर है, जो बदरंग अतीत 15 वर्षों में इन्होंने बनाया, अर्थव्यवस्था को चाट गए थे ये लोग, पूरी तरह से खस्ता हाल बिहार को, एक फेल्ड स्टेट को, विकास की जिन ऊंचाइयों पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया उसका जवाब है बिहार की चमचमाती सड़कें, हर घर में बिजली, आज महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, और जिस तरह से आज 50% महिलाओं का सशक्तिकरण, पंचायती राज व्यवस्था के जरिए महिलाओं का सशक्त नेतृत्व उभर करके आया, नौकरियों में आरक्षण, ये स्थिति पूरे देश में साइकिल के जरिए महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो वातावरण नीतीश कुमार जी ने बनाया और जो संदेश दिया। इसे पूछिए, इतना तो गुणगान कर रहे थे और हमारे 15 साल का याद दिला दिया। इस 15 साल में बिहार पटना गंदगी में नंबर वन है, 2700 करोड़ स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हुआ, अपराध में नंबर वन है, भ्रष्टाचार में 57 घोटाले हुए, इसके बाद भी ये कह रहे हैं शिक्षा, एक विश्वविद्यालय नहीं खुला, शिक्षा व्यवस्था चौपट, टॉपर घोटाला हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी में नंबर वन, बेरोजगारी में बिहार नंबर वन, और इसके बाद भी ये जवाब देना चाहता हूँ। अरे रुके रुके, अरे 15 साल के सुशासन के पहले 2005 के पहले देखिए कि क्या था बिहार की दुर्दशा, लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, कॉलेज नहीं जाती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती थी, आप तो चले अपहरण लूट हत्या बलात्कार घटती थी, उद्योग नहीं चलता था, बिहार में कौन सा रोजगार की बात करता है, कितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी याद कर चुका शासन है की हम लोग अभी भी जी। हमें लगता है कि हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है, चाहे वो किसी भी दल का हो, आम जनता को किसी से मतलब नहीं है, लेकिन हर महिला सेफ होनी चाहिए, एक अच्छा नेता चाहिए, बिहार में आप देख लीजिए कोई अच्छा नेता नहीं है, हम आज किसी भी पार्टी से हमको सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है सेटिस्फेक्शन। ये मुद्दा है भाई, मुद्दा में आया सर, आंसर सर, बाबा 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 सर, मैं आंसर जवाब, मैं आश्वस्त करता हूँ अपने मातृशक्ति को, गुड्डू बाबा को साथ दो, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल स्पेशल कोर्ट, 3 महीने में छेड़खानी बलात्कार तो बहुत बड़ी बात हो गई, 3 महीने में सजा दिलवाएंगे, ढकोसला नहीं करेंगे, शराबबंदी पर 1 पेपर 10 साल की सजा, स्पीडी ट्रायल स्पेशल कोर्ट, यह व्यवस्था हमारी ड्रग माफियाओं की सरगना सरकार है, यह व्यवस्था गरीबों के निवाला छीनने वाली सरकार है, 3 रुपए 2 रुपए की अनाज भी सरकार ने छीना है, इसका भी मुकदमा मैं लड़ाऊं, और 3 महीने में इस सारे कुकर्मों के जो पापी होंगे जनहित याचिका के माध्यम से मैं कानून लाऊंगा, 3 महीने में स्पीडी ट्रायल चलेगी, दारू वक्त की तरह वो बंदी नहीं होगी, कोई अपराधी गुड्डू बाबा जो बिहार का एक नाम है, सारे अपराधी सारे दुराचारी इस नाम से डरते हैं, और मैं सब कहने की बातें हैं, जब जब इलेक्शन आता है तभी इन लोगों को वादे नजर आते हैं। कहाँ गए भैया जो बहुत देर से बोल रहे थे, हाँ कहे के लिए नाराज हो, हमसे नाराज हो, आपसे कहाँ नाराज है, शासन से नाराज है, प्रशासन से नाराज है, जी तो बोलो कहे के लिए नाराज हो, हर घर दारू यही है विकास, और सुशासन ऐसा कि शौचालय के नाम पर भी 12,000 मिलता है, 2,000 लोग घुस खालता है, यही है सुशासन, और क्या बोलना है, जनता लोग बोलेंगे बस ठीक। देखिए सवाल आप पूछिए, आप सवाल पूछिए, अब आप तो हल्ला नहीं मचाएंगे ना, अगर ये लोग कुछ बोलेंगे तो उसका जवाब देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आया ठीक है हाँ जी 12,000 में 8,000 खा रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं, पहले लिट्टी चोखा बना तो खाए और नहीं तो नहीं खाए, आज जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का बना हुआ रोड है भाई, ऑनलाइन फ्राइना जगह से पिज्जा
बर्गर फटाफट आ रहा है, हवाई क्या रहा है, क्या रहा है, क्या रहा है, हवाई जहाज की तरह गाड़ी पर चल रहा है, सब कोई खा रहे हैं, तेजस्वी भी खा रहे हैं, रोड एकदम चिकना रोड है। पहले हम लोग का अनुभव किया हुआ है कि रात में हम लोग निकल नहीं पाते थे, लेडीज लोग को, महिलाओं को बहुत दिक्कत होता था, हम लोग 5 बजे के बाद भी हम लोग निकलते नहीं थे। हम शास्त्री नगर में रहने पर शेखपुरा बिंतोली शास्त्री नगर के हम वहाँ का आपको बताते हैं, हम लोग 5 बजे के बाद हम लोग मार्केटिंग करने नहीं जा सकते थे। वहाँ इतना सब मतलब इतना अत्याचार होता था कि वहाँ मर्डर होता था। हम लोग चपरासी क्वार्टर जो भैया छत पर कुमार जी का देना है, भैया जी के साथ आज लाइव पर है माननीय नीतीश कुमार जी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय पे पहले काम किया। मैडम रुकिए, उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय पे पहले काम किया। अब सामाजिक न्याय हो गया, अब आर्थिक विकास पे काम करेंगे। सामाजिक न्याय क्या, लालू यादव के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बनेंगे, ये सामाजिक न्याय है? बेटी राज्यसभा जाएगी, ये सामाजिक न्याय है? साला राज्यसभा सांसद जाएगा, ये सामाजिक न्याय है? तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, ये सामाजिक न्याय है? पत्नी मुख्यमंत्री, जब इनके नेता के बेटा को MLC बनाना था तो चरण वंदना कर रहे थे, MLC जब बन गया तो फिर पलटी मार दिए। ये पलटी मार लोग बरसाती मेढक, ये क्या बात करेंगे, इनकी हैसियत क्या है? ये लालू प्रसाद जी के कैबिनेट में मंत्री थे आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, ऐसे ही लोगों ने उनको बिगाड़ करके इधर से उधर करके उनको रोड पर ला दिया है। एक बेटा को सेट किया। देखिए लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट मंत्री बहुत थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी आज कहाँ हैं? ये मैं और किस मामले में, वंशवाद को बिहार की जनता खारिज कर चुकी है, और 90 से 2005 के बाद अगर नीतीश कुमार जी को लोगों ने पसंद किया तो नीतीश कुमार जी को अपने बेटे या अपने परिवार या अपने कुनबे के लिए सियासत में जगह नहीं तय कर दी। मैं आया 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 देखिए देखो 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 ना 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 मैडम, ऐसे टिकट नहीं मिलता है जैसे आप नीतीश कुमार लगाए हुए, टिकट ऐसे नहीं मिलता है, और मिल रहा होगा तो कट जाएगा, ऐसा ना करिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर आऊंगा वापस। मैं आपसे बहुत गुजारिश करके कह रहा हूँ, आप प्लीज डिस्टर्ब मत करें। वक्त छोड़ो, जब ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहें, आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं मौजूद पटना में बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए, सरकार की बात भी सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे। क्या नाम हो गया आपका? नाम है राम बिनु जी। राम बिनु जी, तो ऐसे काम सर कर रहा है कि शराब बंद है, हाँ। लेकिन हर घर में शराब पहुंचाया जाता है, होम डिलीवरी प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन दारू पी के रोड पर मत वाला। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शराबबंदी जैसा ऐतिहासिक क्रांतिकारी कालजयी और युगांतकारी कार्यक्रम का अगर कोई फैसला ले सकता था, उस आदमी का नाम नीतीश कुमार है। ये एक ऐसा फैसला था जब लोगों की नींद उड़ गई थी, लोग बोलते थे कि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन आज उस पैसे से बच्चों के की किताबें आ रही हैं, घरों में लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है, महिलाओं के उत्पीड़न घटे हैं, आज 29वें नंबर पर NCERB की तालिका में बिहार है, लीवर के मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, सड़क दुर्घटनाएं घटी हैं, और शराबबंदी को कुछ एक आध जगह कानून में कहीं अगर कोई कमी पाई गई, कहीं शिथिलता बढ़ती गई तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। तो इस कानून को नकारने वाले लोग जमाखोरी और शराब बनाने वालों के साथ हैं, जो अवैध शराब पिला करके लोगों को सैकड़ों की संख्या में मरवाने का काम कर रहे हैं। झूठ, देखिए देखिए, एक मिनट, एक गाना था ना बॉबी फिल्म का, हम गा देते हैं, झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता में आ जाएंगे ये देखते रह जाएंगे। गाड़ी जी दादो गाना भी अड़िया गाते हैं, झूठ है, इनको जरूर काटेगा, 22 MLA से ज्यादा तो कह रहे हैं इनको आने नहीं जा रहा। आप तो जितना झूठ बोलिएगा, जितना झूठ बोलिएगा भोली भाली जनता के साथ, जनता उतना इनको सबक सिखाएगी। आज सबसे नंबर वन पार्टी कौन है, कितने लोग हैं, सबसे बड़ी पार्टी कौन है? अरे भाई कहाँ चले गए आप, अभी तो बैसाखी पर चल रहे, औकात है तो अकेले लड़िए, औकात है तो अकेले लड़के देख लीजिए, पता पता नहीं रहेगा। आप कब अकेले लड़े, आप कब लड़े अकेले, एक चुनाव बता दीजिए आप कब अकेले लड़े। कैसे हैं? मैं आ रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए,
हाँ जी, मेरा नाम अमित सूर्यवंशी है जी। अमित जी, और मैं बॉम्बे से आया, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। अच्छा, 10 दिन से यहाँ पे घूम रहा हूँ पटना में। कहते हैं कि नींद, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आई एम ए पर्सन कमिंग फ्रॉम मुंबई, लास्ट 10 डे आई एम ट्रेवलिंग इन टू पटना। आई एम फाइंडिंग यहाँ बहुत गंदगी है सर, नींद तो ऐसे हरा मरा दर मच्छर काटते हैं। नंबर टू, मैं आया नया नया तो यहाँ पे मिथिला कॉलोनी करके एक जगह वहाँ पे रहा हूँ। ऐसा नहीं दारू नहीं मिलता, दारू मिलता है। आई कैन से इट, दारू मिलता है, आई कैन से इट, क्योंकि मेरे कई दोस्त बेवड़े हैं, वो बिना बीए पीए मर जाएंगे, उनके घर पे रहा 10 दिन में वहाँ से फट गया। एवरी डे आर फाइंडिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब कोई जान बुझ के थोड़ी कहेगा आप मुझे मार। अब मैं यहाँ पे चूंकि मैं घूमता घामता पहुंच गया यहाँ पे, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करता हूँ, आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, बट मुझे यहाँ एक संत दिखाई दे रहे हैं, गुड्डू बाबा। उनकी बाणी में देखिए, पता नहीं क्यों एक दर्द है, एक रिवोल्यूशन, एक रिएक्शन है। क्या कानून का सारा ठेका उन्होंने ले रखा है, 81 प्लीड उन्होंने फाइल किया है, गवर्नमेंट को लाखों का जमीन उन्होंने बचा कर दिया, उन्होंने क्या लिया या क्या दिया उनको किसी ने? ऐसे लोग कब आएंगे सर? एक ट्यूशन टीचर राजनीति में ऐसे लोग कब आएंगे? जी सर, मेरा नाम राहुल खंडेलवाल है और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1982 है। जब मैं अपना बचपन गुजारता था यहाँ, संगीनों के साया में थे, मेरे परिवार का हर शख्स बिहार से पलायन कर चुका है, लेकिन जब से नीतीश जी का शासन आया है, बिहार में सुशासन है, इसको कोई मुखातिब नहीं कर सकता है। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, जो लोग बोलते हैं कि बिहार में शराब मिलता है, मैं मान सकता हूं ये बात कि एक दो लोग होंगे जो गड़बड़ करते हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं है कोई शराब पीकर रोड पे घूम जाए। एक सवाल यहाँ पे मेरा भी है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस बेटी की ये पुकार ये सरकार सुने और ये समाज सुने कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ताराशुद्ध आर्या, और साथ ही मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और राष्ट्रीय महामंच भी हूँ महिला विकास मंच की। मुझे जवाब दीजिए सबसे पहले कि बेटियाँ जन्म लेंगी तो क्या उनके हाथ में गुड़िया देना है या तमंचा? क्या देना है हाथ में, गुड़िया या तमंचा? क्यों उड़ा सके, क्यों सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है? इतनी रेप की हत्याएं होती हैं, रीढ़ की हड्डियां टूट जाती हैं, उनकी भी हड्डी तोड़िए, उनकी भी जीभ को काटिए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कौन करेगा, ये सरकार का काम है। सर, अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया होता तो आज महिलाएं इतनी स्वतंत्र रूप से 7 बजे, 8 बजे और रात के 2 बजे जो घर अपने जाती हैं, माँ बाप को कोई दुख नहीं होता है, साइकिल से, बाइसिकल से, स्कूटी से हमारी माँ बहने और बेटियाँ आराम से निफिक्र होकर रात के 2 बजे घर जाती है। और राजद के 15 साल के शासन काल में कोई भी बेटी और कोई भी बच्चा रात को अगर 7 बजे शाम के बाद आईएस की बीवी जो इस बिहार में चंपा विश्वास के साथ हुआ, वो कृत्य कभी बिहार की जनता भूलेगी नहीं, और उसके लिए कभी राजद और गठबंधन को माफ नहीं करने जा रहे। पार्लियामेंट में 48% पॉपुलेशन है फीमेल की, और पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं हैं? 9% रिप्रेजेंट। मैं आया, राजीव जी आया, आया 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 जी, राजीव जी धैर्य, राजीव जी धैर्य। बोल रहे हैं यहाँ पे तेजस्वी यादव जी के प्रवक्ता है, नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता है, यही पटना में 2019 में विश्व का सबसे बड़ा त्रासदी आया, पटना डूब गया, न नीतीश का विधायक चक्कर आया था, न तेजस्वी यादव जी का आया, सिर्फ और सिर्फ मक्खू आया था। दरोगा बाली का पल चली, बिहार पुलिस का पल चली। पूछा छात्रों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और किसी नेता ने भी संस्कार बढ़ाने की बात नहीं की है, किसी राजनीतिक पार्टी ने संस्कार बढ़ाने की बात नहीं की है। मैंने संस्कार शाला खोला है और मैं पहला नेता हूँ जो भारत में संस्कार बढ़ाने के नाम पे वोट मांगने आया हूँ। किसी भी कोई भी बेटी के इज्जत पे अगर राजनीति होती है तो यह सबसे दुखद है। और मैं एक बात बता दूँ, एक बात मेरी सुन लीजिए, हर नेता को चरित्र के अनुसार आना होगा। कोई भी बेटा अगर रात के 9 बजे के बाद घर आता है तो उसकी माँ को पूछना चाहिए कि बेटा तुम कहाँ हो। कोई भी बेटा अगर दारू पी के आता है तो
उसके माता पिता को पूछना चाहिए कि तुमने दारू क्यों पिया है। कोई सरकार बंद कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ आप संस्कार बढ़ाकर ही इस बिहार को बचा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय राजीव जी के बारे में जो उन्होंने कहा महिला उत्पीड़न, मध्य प्रदेश में इन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और वहाँ के डीजी अपनी पत्नी को क्या पटक पटक के मार रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा अगर बलात्कार कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में, जहां भाजपा की सरकार है। और बिहार का ये हाल है कि बिहार में बाहर बार चारों ओर हाहाकार। मैं आ रहा हूँ बिहार में। आज हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं बिहार चुनाव पर बात करने के लिए? बिहार में महिलाओं के जो आंकड़े हैं उस पर बात कीजिए। बिहार में दूसरी आबादी का प्रांत है और यहाँ 23वें नंबर पर प्रति लाख संज्ञेय अपराध पर है, दूसरे नंबर पर है, 23वें नंबर पर है। और दूसरी तरफ महिला उत्पीड़न के मामलों में 29वें नंबर पर है, बलात्कार के मामलों में 33वें नंबर पर है। बिहार पर बात कीजिए, ये सुशासन का प्रदेश है। देख, एक सेकंड। देखिए ऐसा है, उसको शांत कीजिए। देखिए ऐसा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए और रेस्टोरेशन के लिए यानी पुनर्जागरण के लिए जो काम एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार ने किया है, मैं रेस्टोरेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी ने भी शराबबंदी पर जोर दिया था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एट ए ग्लांस 3 तलाक को कानूनी रूप दिया, चाहे वो फैमिली रेस्टोरेशन हो, सोशल रेस्टोरेशन हो, महिला सशक्ति रेस्टोरेशन हो, यानी पुनर्जागरण का काम देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और नीतीश कुमार के राज्य में 39% जो भी मैं बोलने दूंगा लेकिन अपने हिसाब से। जी बहुत हल्ला हो गया मुद्दे की बात। पिछले 30 साल से दोनों पार्टी के सरकार के लोग यहाँ बैठे हैं, 15-15 साल वाले। ये बता दे फोर्थ ग्रेड कर्मचारी चपरासी की एक भी सरकारी नौकरी दी गई क्या? बंधुआ मजदूर बना दिया गया बिहार के युवाओं को, बंधुआ मजदूर बना दिया गया, नौकरी नहीं मिली किसी को। आज 5000 रुपया में मेरा स्वीपर जो है वो जाकर के ऑफिस में साफ करता है, बाथरूम साफ करता है, साहबों के लिए तौलिया बिछा रहा है। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोले पहले। नहीं नहीं, सुने आप सुनिए। अरे बोलिए। देखिए जो चीजें बहुत साफ है, बिहार में हर एक चपरासी से लेकर के हम डिप्टी कलेक्टर तक की नौकरी दे रहे हैं। हमारी कोशिश है 15 साल के जंगल राज के बाद में एक सुशासन बनाने में वक्त लगता है। हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए चीज है, बहुत सारे लोग अभी तोहमत लगा रहे हैं कि शराब मिल रही है। बाबा अगर शराब बंदी कानून फेल आप मानते हैं तो हत्याएं हो रही है, तो कहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून फेल है। जी 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 मैं जी। देखिए ये सत्ता में बैठे हुए लोग डबल इंजन की सरकार ने भाषण तो खूब पिलाया जनता को और जनता को राशन तो नहीं मिला। क्यों भुखमरी है, क्यों बदहाली है, क्यों बेरोजगारी है? जो भूख से मरा हो बिहार देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। बिहार में किसान आत्महत्या नहीं करता है, भूख से नहीं मरता है। अकाली दल क्यों छोड़कर चला गया? अकाली दल क्यों छोड़कर चला गया ये बताइए ना। अकाली दल छोड़कर चला गया, क्यों राजद के दौर में लोग जा रहे हैं? मैं आया। जी जनाब। ऐसा है जनाब, क्या नाम हो गया आपका? जी समीउद्दीन अहमद साहब। जी और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी और मैं काफी देर से हो अल्लाह भी सुन रहे थे और हमारे मित्रों का, हमारे नेताओं का, उम्मीदवारों का भी मैंने सुना। जितने भी लोगों ने बात बोला, अपनी बात सबको कहने का अधिकार है। जी लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। जी आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है तो पूरे विश्व में आपके भारत का नाम है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होगी
तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। सुनिए, मैं बताते बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। इन लोग को एक बात कहना चाहते हैं, समान शिक्षा प्रणाली, समान स्वास्थ्य प्रणाली ला के ये दिखाए। इनके बेटे जहाँ पढ़ेंगे गरीब के भी बेटे वहीं पढ़ेंगे, इनके बेटे जहाँ पढ़ेंगे गरीब के भी बेटे वहीं पढ़ेंगे, इनका बेटा जहाँ स्वास्थ्य लाभ लेगा गरीब का भी बेटा वहीं स्वास्थ्य लाभ लेगा, तब इनकी औकात समझ में आ जाएगी कि बिहार के पाजी। ये बात है समान शिक्षा समान स्वास्थ्य प्रणाली, इसमें कोई गलत बात नहीं कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात। बाहुबलियों का टिकट कब तक, बाहुबलियों का टिकट कब तक मिलेगा, बाहुबली इसमें कब तक राज करेंगे आप बताइए। एक मिनट रुकिए भाई, आप बताइए। बीजेपी धार्मिक नीति पर चलती है लेकिन गौशाला कितने हैं उसका सब लोग कब्जा करके बैठा हुआ है। 87 गौशालाएं हैं, गुड्डू बाबा लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी को पता तक नहीं है। आप बताइए स्वच्छ छवि के आदमी को टिकट दिया जा रहा है, 1 करोड़ रुपया आज पकड़ा गया है गाड़ी में, ये क्या है। तो फिर जो व्यक्ति को पुलिस ढूंढता है उसके पीछे पीछे पुलिस चल रहा है, बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार कहाँ जा रहा है। जी जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं चित्रंजन कुमार एक सामाजिक कार्यकर्ता और विद्यालय बिहार का टॉपर स्टूडेंट भी रहा हूँ, टॉप 10 में से। तो हम कहना चाहते हैं कि जब कोई हम एग्जाम में बैठते हैं, आज पेंशन खत्म हो रही है लेकिन हमारे विधायकों को क्यों पेंशन मिल रही, एक नहीं बहुत सारे ऐसे विधायक हैं 15-15 पेंशन ले रहे हैं क्यों। दूसरी बात, यदि आप हम राजनीति को सेवा का क्षेत्र कह रहे हैं फिर उसमें वेतन और पेंशन क्यों है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या चीज अपने मातृभूमि से, आप अपनी मातृभूमि को माँ कहते हैं तो माँ से क्या पेंशन मांगते हैं कि माता मुझे सेवा करूंगा, बदले मुझे पेंशन दो, मुझे वेतन दो। मतलब ये क्या चीज़, राजनीति एक उद्योग हो गई है, एक गंदी राजनीति हो रही है, इसे उखाड़ कर फेंकने होगा। दिनकर की पंक्ति है, पांच बार हमारी चाहे रथ का घर घर नाद सुनो और सिंहासन खाली करो। ये सिंहासन तो खाली करना ही होगा, आम जनता के सिंहासन। क्या आवाज है बाजी, दिनकर की ये भूमि है बाजी, मैं जरूर आऊंगा। नौजवान खड़े हैं जी, बिल्कुल। क्या नाम है मेरा? मेरा नाम असद है, मैं मुंगेर से हूँ। मुंगेर से जी। बताओ। मेरा सवाल शमसी जी से है। शमसी साहब से जी। जी, वो उनको हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट आया था आरजेडी हुकूमत में, क्या बीजेपी उनको टिकट देगी या मुसलमान होने के गुनाह में उनका टिकट काट दिया जाएगा? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। अभी आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं, और आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं, अभी जफरुल इस्लाम को भी राज्यसभा में बनाया गया। हमारी पार्टी कोई तुष्टिकरण या अपीजमेंट नहीं करती है, यह हम वोट की अर्थमेटिक नहीं करते हैं एम और वाई की, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। जब सड़कें बन रही हैं नीतीश कुमार के राज में उसमें सब लोग चल रहे हैं, अस्पताल में अगर रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है सबका हो रहा है, तो कनेक्टिविटी पूरे बिहार की और दुनिया में अगर नाम भारत का हो रहा है तो सबका हो रहा है। इसीलिए जो जिताऊ उम्मीदवार होते हैं हम उनको देते हैं, हम कास्ट क्लास क्रीड अगड़ी पिछड़ी हिंदू मुस्लिम या अपीजमेंट के नाम पर जो है ये खेल नहीं खेलते। ये वही बिहार है जहां दिन दहाड़े 15 साल के शासन में लड़कियों को उठा लिया जाता था और आज रात के अंधेरे में। इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।